Welcome in G part of 6th lecture. In 6th lecture we started our change of variable and it's the last question of uh, this topic. So the last question of uh, lecture 6th is uh, if x is equal to e to power r cos theta and y is equal to e to power r sin theta show that curly square u. करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू करली वाई स्केयर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू आर करली स्केयर यू करली आर स्केयर प्लस करली स्केयर यू करली थीटा स्केयर इन सिक्स लेक्चर वी स्टार्टेड चेंज ऑफ वेरिएबल एंड वी ऑलरेडी सोल्व नाइन क्वेश्चन अप टू ई पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ आस्क इन कुशेत्रा यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड फोर्टीन बीएससी में सी आस किया गया था तो यह यू इज़ फंक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड फर्दर एक्स इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड वाई इज़ फंक्शन ऑफ़ आर एंड थीटा ठीक है अ, of, this, and and, uh, further, R, तो इट मीन्स यू इज़ कंपोजिट फंक्शन ऑफ़ आर एंड थीटा वही लॉजिक जो हमने नाइन्थ क्वेश्चन में ई पार्ट क्वेश्चन में किया था हमने तो यू कम्पोजिट फंक्शन हुआ आर एंड थीटा का तो वी कैन राइट बाई टोटल डेरिवेटिव कर्ली यू बाय करली ऑफ़ आर इज इक्वल टू पहले आप यू का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के साथ देन एक्स का डेरिवेटिव आर के साथ तो करली यू बाय करली एक्स करली एक्स बाय करली आर प्लस करली यू बाय करली वाई करली वाई बाय करली ऑफ आर ठीक है ऐसे ही आप करली यू बाय करली थीटा भी निकालेंगे तो बिफोर दिस फर्स्ट वी विल पुट दिस वैल्यूज हेयर एक्स किसका फंक्शन है आपका हेयर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आर कॉस ऑफ थीटा तो करली एक्स बाय करली ऑफ आर तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज ई की पावर आर देखो करली एक्स बाय करली ऑफ आर पार्शियली डिफ्रंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर तो कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट ई की आर का डेरेवेटिव ई e की आर इन टू वन एंड दिस इज कॉस ऑफ थीटा एंड वाई क्या है आपका दैट इज ई की आर साइन थीटा एंड कर्ली वाई बाई कर्ली ऑफ आर इट इज़ ई की पावर आर का डायरवेटिव ई की आर ही रहेगा इन टू में साइन थीटा क्योंकि एक्सपोनेंट का डायरेवेटिव तो सेम रहता है और आर के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो इट इज सेम सो वु बोथ वैल्यूज दिस वर एंड दिस वर दिस इज ई की आर कॉज थीटा एंड इट्स वैल्यू इज ई की आर साइन थीटा तो नाउ यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ क्योंकि आंसर जो आपको करना है करली यू बाई करली ऑफ आर फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू एक्स करली यू बाई करली ऑफ एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई इधर आपने पॉलर कॉर्डिनेट रखने इधर आपने कार्टिजन कॉर्डिनेट सिस्टम फॉर्म में बनाना है तो so एक्सर इसलिए आर और थीटा वाली टर्म को वी विल चेंज इन टू एक्स एंड वाई अब यहाँ से आपको क्या है कि ऑपरेटर फाइंड आउट करना है करली बाई करली आर ऑपरेटर किसके इक्विलेंट होगा तो वी कैन राइट दिस बाई टेकिंग दिस टर्म आउटसाइड तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज करली यू बाई करली ऑफ आर इट्स एक्स करली बाई करली ऑफ एक्स प्लस वाई करली बाई करली ऑफ वाई एंड इट्स ऑपरेटिंग ऑन यू तो so, यहां पर यू का ऑपरेटर कौन है करली बाय कर आर और यहां यू का ऑपरेटर कौन है दिस वन टर्म तो ऑन कंपेयरिंग दिस वी विल ऑप्टेन करली बाय करली आर इज दिस वन ठीक है नाउ टू फाइंड डबल डेरिवेटिव वी विल यूज दिस ऑपरेटर एंड दिस वन तो बिफोर दिस पहले करते हैं करली यू बाय करली ऑफ थीटा अब यू किसका फंक्शन है यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई फर्दर फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा तो आप करली यू बाई करली थीटा कैसे लिखेंगे यू का डेरिवेटिव पहले एक्स के साथ एक्स का डेरिवेटिव थीटा के साथ फिर यू का डेरिवेटिव वाई के साथ और वाई का डेरिवेटिव दिस टोटल जिसके साथ करना है दैट इज़ थीटा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन अब आपका x क्या है e कि आर थीटा तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करली एक्स बाय करली ऑफ थीटा तो ई की आर इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा ठीक है ऐसे ही करली वाई बाय करली ऑफ थीटा दिस इज ई की पावर आर साइन थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इट्स कॉस ऑफ थीटा तो इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे वेन आई पुट ऑल दिस वैल्यूज आई ओपीन करली यू बाई करली एक्स एसटीज हेअर ईके माइनस ई के आर साइन थीट करली यू बाय करली वाई के आर कॉसिटा नाउ व्हाट इज दिस इट्स वैल्यू इज वाई तो आई एम टेकिंग दिस टर्म एज वाई दिस माइनस टर्म ई हेयर कर्ली यू बाय कर्ली एक्स हेयर एंड इन प्लेस ऑफ दिस टर्म एक्स करली यू बाय कर्ली वाई इट्स माई इक्वेशन थ्री नाउ अगेन आई नीड द ऑपरेटर सो आई एम कंपेरिंग दिस टर्म विथ दिस वन तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर कौन है करली बाय करली ऑफ थीटा एंड राइट हैंड साइड का ऑपरेटर कौन है माइनस वाई करली बाय करली एक्स प्लस एक्स करली बाय करली वाई फोर ठीक है नाउ वी विल कैलकुलेट करली स्केर यू करली आर स्केर एंड यूजिंग द दिस ऑपरेटर कर्ली बाय करली ऑफ आर तो दिस वैल्यू आई कैल्कुलेटेड दिस वन एंड कर्ली यू बाय कर्ली ऑफ आर इज X curly u by curly x plus y curly u by curly y. Now I'm taking this term with this term here plus sign this one y curly by curly y here and this term here. Now take this curly by curly x operator inside. So here x is as this. I am applying curly by curly x operator in this on this term. This plus sign. This x is here. This y. When you differentiate x x.

दिस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड कर्ली यू बाई करली एक् एक्स बोथ हर फंक्शन ऑफ एक्स सो फर्स्ट फंक्शन एज टेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू करली यू बाय करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इट गिव्स कर्ली स्केयर यू करली एक्स केयर प्लस कर्ली यू बाई कर्ली एक्स एज इज डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन दिस एक्स वाई एज इज हेयर ए कर्ली स्केयर यू पहले आपने वाई के साथ किए ना यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यू विल राइट इट हेयर इट्स वाई हेयर एक्स इज आउटसाइड सो इट गिव्स यू करली इस यू आपने यहाँ पहले एक्स के साथ किया फिर वाई के साथ किया हेयर वाई एस्टिस, दिस दिस्टर्म इन साइड फर्स्ट फंक्शन अगेन एस्टिस, पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ करली यू बाई करली वाई इट इज कर्लीस केयर यू करली वाई स्केर प्लस करली यू बाई करली वाई एस्ट डेरीवेटिव ऑफ वाई इज वन ठीक नाउ एच वी नो दैट ऑर्डर यहाँ वाई एक्स है यहाँ एक्स वाई है तो बोथ आर इक्वल ठीक है तो आई एम कंबाइनिंग दिज टू तो इट गिव्स यू दिस टर्म दिस टर्म हेयर दिस टर्म हेयर एंड दिस वन आई एम राइटिंग हेयर एंड दिस वाई करली बाई करली वाई हेयर तो आई ऑबटे इक्वेशन नंबर फाइव हेयर सिमिलरली आई विल कैलकुलेट करली स्केयर यू करली थीटा स्केयर Its value is curly by curly theta, curly u by curly of theta. Now, use the both operator. Curly u by curly theta is value I calculated is this one. Curly u by curly theta value is this one. Now, apply this operator on whole term. Then, this operator on this term. So, I obtained this one. Okay. Now, this term. वाई एस टीज कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑन दिस टू टर्म्स एंड दिस कर्ली एक्स करली बाय कर्ली वाई हे एंड अप्लाइंग दिस विल ऑन दिस ऑपरेटर ऑन दिस टर्म ठीक है अब यहाँ कर्ली बाई कर्ली एक्स इन साइड लेंगे तो दिस माइनस वाई एस टली बाय कर्ली एक्स अप्लाइंग ऑन दिस टर्म प्लस कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑन दिस टर्म प्लस एक्स इज आउटसाइड दिस कर्ली बाई कर्ली बाई ऑन दिस टर्म प्लस इट्स हेयर एक्स एंड करली बाई करली वाई ऑपरेटिंग ऑन दिस टर्म नाउ आई आई एम गोइंग टू डिफ्रशिएट दिस टर्म हेयर डेरिवेटिव एक्स के साथ है वाई इज कॉन्स्टेंट तो माइनस वाई एसटेज एंड करली स्केयर यू बाई करली एक्स के प्लस हेयर यू वी फॉर्मला लगेगा फर्स्ट फंक्शन एस्टेस कर्ली स्केयर यू करली एक्स कर ली वाई क्योंकि वाई के साथ पहले या नाउ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कर ली यू बाई कर ली वाई एसट इज एक्स का डेरिवेटिव इज वन इट्स एक्स हेयर कर ली बाई कर ली वाई यू इंटू वी अगेन तो माइनस वाई कर ली स्केर यू कर ली वाई कर ली एक्स प्लस कर ली यू बाई कर ली वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव वाई के साथ क्या होगा माइनस वन हेयर आल्सो दिस टर्म एंड दिस टर्म क्योंकि यहाँ वाई एक्स के साथ डेरिवेटिव है यहाँ एक्स वाई के साथ डेरिवेटिव है तो बॉथ विल बी इक्वल इन पार्शियल डिफ्रंशिएशन हेअ सो आई एम कंबाइनिंग दिस टू टर्म्स एंड ये वाली टर्म आपके इज तो यहाँ आपको क्या मिलेगा दिस माइनस दिस माइनस गिव्स यू प्लस तो दिस इज वाई स्केोर कर्ली स्केयर यू करली एक्स क्योर तो इनको इसी ऑर्डर uh, से अरेंज करिए तो वैन आई एक्सपेंड आई ओबेन वाई स्केयर ली स्केयर यू एक्स के माइनस टू एक्स वाई कर्ली स्केयर यू कर ली एक्स वाई माइनस वाई करली यू बाई कर ली वाई माइनस एक्स करली यू बाई कर ली एक्स प्लस एक्स केयर कर्ली स्केयर यू कर ली वाई स्केयर राइट दिस इक्वेशन नंबर सिक्स नाउ एड इक्वेशन फाइव एंड सिक्स तो वेन आई आई एड दैम तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बनेगी कर्ली स्केयर यू कर ली आर स्केयर प्लस कर्ली स्केयर यू कर ली थीटा स्केयर इज इक्वल टू देखो आपकी इक्वेशन फिफ्थ में कर ली स्केयर यू कर ली एक्सकेयर का कॉफिशियंट क्या है देर इज एक्स केयर तो आई एम कम्बाइनिंग दीज टर्म्स तो आई विल टेक दिस टर्म कॉमन तो कॉफिशियंट क्या बनेगा एक्सकेयर प्लस वाई स्केर इक्वेशन फिफ्थ में ये टर्म आपकी पॉजिटिव है तो ये कैंसल आउट हो जाएगी दिस टर्म एंड दिस टर्म आल्सो देयर एंड दे आर पॉजिटिव सो दिस एंड दिस टर्म आल्सो कैंसल आउट यहाँ कॉफिशियंट आपकी इक्वेशन फिफ्थ में देखिए क्या आपका दिस इज वाई स्केर कर्लिस के रू कर ली एक्सर वाई स्केर ठीक है एंड इस इक्वेशन में क्या है एक्स केयर कर्लिस के रू कर ली वाई स्केर तो इनको एड जब आप करेंगे तो यू विल ऑबेन वाइस केयर प्लस दिस एक्स केयर कर्लीस केयर यू कर ली वाई स्केर नाउ यू कैन टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन फ्रॉम दिस बॉथ टर्म सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्योर प्लस वाई स्क्योर इन टू कर्ली स्केयर यू करली एक्स केयर प्लस कर्ली स्केयर यू करली वाई स्क्योर नाउ एक्स की वैल्यू इज ई की पावर आर कोज थिएटर एंड वाई इज इक्वल टू ई की आर साइन थिएटर तो इन दोनों की क्या करेंगे हम स्केयरिंग करेंगे एंड वी विल एड दैम बिकॉज वी वांट टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ आर एंड थिएटर

कर्ली स्केयर यू करली आर स्केर प्लस कर्ली स्केर यू करली थीटा स्केर इज इक्वल टू ई की आर ई की पावर टू आर एंड कर्ली स्केयर यू करली एक्स केयर प्लस कर्ली स्केयर यू करली फाइ स्केर अब ये कार्टिजन कॉर्नेट है ये आपके पोलर का कंपोनेंट है तो आई विल टेक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो डिवाइड इट एंड टेक अबो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म ठीक है तो यही आपको प्रूव करना था तो हैंस द रिजल्ट ठीक है तो नाउ वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक चेंज ऑफ वेरिएबल ठीक है एंड सेवंथ लेक्चर आई ऑलरेडी डिलीवर दिस लेक्चर एंड देर वी स्टार्टेड द इम्प्लिसिड फंक्शंस थ्री क्वेश्चन आई ऑलरेडी सॉल्व एंड देर आर थ्री एंड फोर क्वेश्चन विच आर आस्क बाय द स्टूडेंट तो आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चन्स इन सेवंथ लेक्चर implicit functions and uh, thank you so much for watching